एक बार फिर से टीवी एक्टर करण मेहरा और उनकी एक्स वाइफ निशा रावल आमने सामने हैं। हाल ही में करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक्स वाइफ निशा पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा तक किया। वहीं बीते साल निशा रावल ने करण पर घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप लगाए थे। मीडिया के सामने निशा ने अपने पति की धज्जियां उड़ा दी थी। इस पर करण की तरफ से तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन अब इस केस में एक्ट्रेस कश्मीरा शाह गवाह बन गई हैं और उन्होंने पहली बार इस केस पर चुप्पी तोड़ी है। कश्मीरा शाह ने बताया है कि किस तरह चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा खराब होती गई। कश्मीरा ने करण और निशा के तलाक वाले इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। वैसे आपको बता दी कि कश्मीरा शाह एक्ट्रेस निशा रावल और करण मेहरा की खास दोस्त हैं। दिलचस्प बात यह है कि निशा रावल को छोड़ उल्टा कश्मीरा शाह ने करण को सपोर्ट किया है और इस केस में गवाह बन गई है। कश्मीरा ने बताया है कि किस तरह उन्हें पहले निशा और फिर रोहित का कॉल आया था। रोहित को निशा रावल का बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है। कश्मीरा को रोहित की बातों पर भी शक हुआ क्योंकि वो मारपीट वाली घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे और बातों को काफी बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। ऐसे में कश्मीरा ने ई टाइम्स से बातचीत के दौरान निशा रावल के उन आरोपों को बेबुनियाद बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि करण ने उनके साथ मारपीट की है। जी हाँ, ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कश्मीरा शाह ने बताया था कि पहले निशा का उनके पास कॉल आया था कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और फिर कुछ दिन बाद रोहित का रात के 12:30 बजे कॉल आया कि करण ने निशा के साथ मारपीट की है। कश्मीरा के मुताबिक करण मच्छर तक नहीं मारते हैं तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कश्मीरा शाह ने बताया था कि करण मेहरा कभी हिंसक नहीं हो सकते, ऐसे में उनका निशा के साथ मारपीट करना मुमकिन ही नहीं है। कश्मीरा को निशा रावल पर शक हुआ क्योंकि वो और रोहित लगातार बातों को घुमा रहे थे। निशा के कमरे में जो कैमरा लगा था वो भी बंद था। साथ ही मदद के लिए निशा ने अपने सभी दोस्तों को एक जैसा मैसेज ही भेजा था जिससे कश्मीरा का शक और ज्यादा बढ़ गया। वहीं निशा रावल को लेकर एक्ट्रेस ने तंज भी कसा। कश्मीरा ने कहा अगर निशा एक्टर नहीं होती तो वो वकालत करती क्योंकि लॉकअप शो में उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी कहानी सुनाई थी। बिल साफ है कि निशा करण की लड़ाई में कश्मीरा शाह ने करण मेहरा का स्टैंड लिया है और निशा के आरोपों को सरासर झूठा ठहराया है। बिल जिस तरह से इस बड़ी लड़ाई में कश्मीरा शाह ने करण के सपोर्ट में आकर स्टैंड लिया उससे करण ने भी कश्मीरा शाह का आभार जताया। सिर्फ यही नहीं बल्कि करण ने कश्मीरा शाह को इस केस में विटनेस बनने के लिए भी कहा है, जिसके बाद कश्मीरा ने करण की बात को मानते हुए विटनेस बनने के लिए वो राजी भी हो गई। बता दें कि करण मीडिया ने बकायदा एक पोस्ट करके कश्मीरा का आभार जताया जिसमें उन्होंने लिखा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम मेरे और परिवार के साथ खड़ी हो रही हो, मैं इसके लिए हमेशा आभारी और ऋणी रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीरा के इस इंटरव्यू का क्लिप भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने निशा के बारे में काफी सारी बातें बताई थी। मतलब देखने वाली बात तो ये है कि आने वाले दिनों में निशा और करण की इस लड़ाई में किन किन स्टार्स के और रिएक्शन सामने आएंगे और कौन किसका स्टैंड लेता नजर आता है।